और औरतें तो अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, अच्छा रिश्ता, तो फिर देखो तन बदन में आग लग जाए, खाना नहीं खा रही है। अरे उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, अच्छा, इसी जलन में हसद में पहुंच जाएगी उसके घर, पूछेगी तुम्हारे कितने बच्चे का, एक बच्चा, रिश्ता हो गया, कहा जी, कहा हुआ, कहा वहां पे हुआ, कौन सा घर है, मस्जिद के, अच्छा वो लड़की जो गोरे रंग की है, हाइट अच्छी है, जो दुपट्टा भी ओढ़ती है, सही से रहती है, वही लड़की, बोले हाँ, बोले अच्छा उस पे दौरे पड़ते थे, अब ठीक हो गई है क्या, बस एक तो वैसे ही हजरत लड़के पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी, मुर्गे बिकते थे, अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, 4-4 लाख रुपए में मंगनी, खटारा से खटारा बुलेट मांग रहे हैं, जो खुद चला नहीं जा रहा बुलेट चलाएगा ये, कूला इसका टेढ़ा, कूला कूला उधर है और बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखे गई वो भी बुलेट। नबी फरमाते हैं पांच चीजें इबादत में से है, कितनी बोलो प्यारे, याद कर दो, चलो कितनी बोलो, नंबर एक किल्लत तुआम, कम खाना इबादत है, और अपना क्या हाल है, कम खाते हो, अगर किसी के वलीमे में जाते हो, अकीके में जाते हो, तो डोंगे की खैर होती है, शायद भाई से पूछो ये तो, इसलिए उलमा हाजिर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और आप ही नहीं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बाज बाज तो ये तो पन्नी ले जाती है, दावत में जाती है, हाँ हाँ, बाज बाज दावत में जाती है तो पर्स में हैंड बैग में रख के क्या ले जाती है, अरे बोलो ना, डर क्यों रहे हो, पन्नी ले जाती है, शाम का इंतजाम करके लाती है, कौन बनाएगा, गैस पे कौन जाएगा, लेकिन चलो नबी फरमाते हैं किल्लतु तुआम, कम खाना इबादत, इसलिए अगर कम खाओगे, दो लुक्मे कम खाओगे, तो नमाज में काहिली नहीं होगी और बीमार नहीं होगे, नंबर दो, वल कुउदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, सुभान अल्लाह, बैठते हो मस्जिद में, खाली वक्त मिलता जाते हो मस्जिद को, अजी खाली वक्त क्या, पांच वक्त में ही नहीं जाते हो, पांच वक्त की जब नमाज फर्ज है उसमें ही मस्जिद नहीं जाते, तो खाली वक्त में क्या, मगर प्यारे सुनो, खाली वक्त में जाकर के बैठा करो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली बैठे, खाली बैठे, तस्बीह नहीं पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहा है, नबी फरमाते हैं, खाली बैठा अगर एक घंटा, तो जितनी सांसें लेगा, जितनी सांसें लेगा, हजारों सांसें ले लेगा, मगर नबी फरमाते हैं, जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, बोलो ना, ऐसा लगता है जैसे नेकियों की जरूरत ही नहीं, अगर टाइम जरा भी मिलेगा ना तो मोबाइल सोफे पे बैठ के देखना शुरू कर देगा, मोबाइल में लग जाएगा, मगर मस्जिद को नहीं जाएगा। एक इतनी अच्छी बात आ रही, इतनी प्यारी, अगर नौजवानों इस बात पे अमल कर लो ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इजाजत हो तो बता दूं,
अगर क्या था गाँव का ना, मलावा, आप याद रहेगा इंशाल्लाह, मलावा बुजुर्ग में अगर कोई एक किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो कितना ऐलान हो जाएगा उसको, और बहुत बड़ा सवाब। और अगर कोई एक क्विंटल कर दे तो एक क्विंटल तो हो गई नहीं, और अगर औरत एक किलो कर दे तो ये तो अफसोस में मर जाएगी। हाँ समझ रहे, लेकिन एक क्विंटल बैठो उधर कहाँ देख रहे, झांक के देखें किसी का इंतकाल तो नहीं हो गया, बैठो बेटा बैठो। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल अगर कोई खर्च कर दे तो पूरे इलाहाबाद में हर जगह नाम ही नाम। और अगर 1000 क्विंटल अगर अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब। मगर मैं इतना प्यारा अमल बता रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा, और 1000 नहीं 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। बता दूं, 1 रुपया नहीं, अच्छा मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, मगर नौजवानों सुनो, मैं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अमल क्या है, आप जुमे के दिन मस्जिद को जुमे की अजान से पहले पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, साफ करने के बाद जितना कूड़ा करकट होता एक तरफ डाल देते हैं। अब एक सहाबी ने नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज किया था, अबू बकर के जहन में क्या चल रहा, अबू बकर क्या सोच रहे, ऐ आका जरा इतना बता दे अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन बयान फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये बयान लिख गया। नबी फरमाते हैं लोग सुनो, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा, और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल कर मस्जिद के बाहर डाल देगा तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑलरेडी क्या बात है भाई, आप लोग खामोश हैं, जो नारे को जवाब नहीं दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं लगे, मगर कितना बड़ा सवाब। मगर करें तो अगर वक्त मिलता है तो फिर क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वक्त मिलता है तो इधर उधर मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, वक्त मिलता है तो चौराहों पे खड़े रहते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, मगर मस्जिद को जाकर के साफ नहीं करता, मस्जिद में जाकर के बैठता नहीं। इन बुजुर्गों से पूछो, अल्लाह अल्लाह, आप लोग ये समझते हैं कि मस्जिद साफ करने से हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, हम छोटे लोग हो जाएंगे, हमारी शान कट जाएगी। ऐ लोगों, ये काम तो अबू बकर सिद्दीक ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान गनी मौला अली ने किया, हसन हुसैन ने किया, सहाबा ने किया, और मेरे नबी ने खुद किया। बोलो तुम में से किसकी ऐसी शान है जो अबू बकर सिद्दीक की बराबर हो। एक की भी नहीं,
मगर लोग कहां क्या कर ले अच्छा अब जरा सोचो तो यार लोग कितने खराब हो गए। अगर कोई दीन का काम करने लगे तो टांग खींचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये खाने का जरिया बना लिया है, खाने का लूटने का बहाना तलाश लिया। ओ लोगों मुझे बताओ ये कमेटी वाले इस उम्र के क्या तुम्हें डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगते हैं, क्या तुम्हें बैंड बजाते हुए अच्छे लगते हैं, क्या तुम्हें दूसरों की बैंड बेटी तकते हुए अच्छे लगते हैं, तुम्हें ये नारा लगाते हुए अच्छे नहीं लग रहा है, ये तुम्हें जलसा करते हुए अच्छे नहीं लग रहा है, ये सारे उलमा इन्होंने बुलाए हैं मगर मेरी बात हो तो पलटा दो, गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, तोबा खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, कुछ दुआ भी ना करे, मर्रा का लफ्ज आया, नबी फरमाते अगर खाली कोई गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। मगर कहां, क्योंकि लोग ना टांग खींचने वाले ज्यादा। पहले मैं एक जुमला नहीं बोलता था मगर आजकल तकरीरों में बोलने लगा हूं। मुसलमानों के साथ लफ्ज गद्दार जमते ही नहीं था मगर अब इतनी गद्दारी आ गई अंदर। हजरत अगर कोई ना जलसा भी कर रहे उसे पता चल जाए कि परमिशन नहीं लिए तो बार बार पुलिस को फोन कर देता, लगेंगे 10-12 हजार या फिर जलसा खत्म। कहीं कोई अपना कारोबार कर रहा है या तो उसे मुकदमे में फंसा देगा या फिर किसी चीज में फंसा देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपस में दो लड़के इकट्ठे हुए झगड़ा करे और इसके निजाम को खराब करने के चक्कर में रहते हैं। क्या हश्र के दिन मुंह नहीं दिखाना होता? लेकिन चलो मैं जो बता रहा था, अगर खाली खाली मस्जिद को जाके साफ करोगे तो ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। मेरी बहनें भी आई हैं, इनके लिए भी एक ऑफर है, आप भी ये काम कर सकते हैं, ये भी कर सकती हैं। बताऊं क्या, इतना प्यारा है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा कम, और इतना प्यारा, इतना कीमती, इतना भारी, आप कहोगे यार अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। बता दूं, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عليا نور على الصراط ما صلى عليا يوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 इसका तर्जमा सुनो, मेरी बहनें सुन ले। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन किसी ने मुझ पे 80 मरतबा दुरूद पढ़ा, 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 80 मरतबा 80 मरतबा सुन ले, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती समानी न मर्रतन, अगर मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन जिसने भी दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करें भी तो, यहाँ गुनाह से मुराद सगाइर है, ऐ सगाइर, सगीरा गुनाह। 80 साल के जुमे के दिन तुम लोग नमाज पढ़ने जाते हो ना, ऐसा भागते हो, ऐसा भागते हो जैसे कोई तुम्हें पकड़ लेगा, ये जेल से भाग रहे हैं।
इनकी जूती गिराई, उनकी चप्पल गिराई, उनके सैंडल गिराए, उनके चप्पल कुचल दिए, और बाज बाज तो पुरानी पहन के जाता, नई लेके आता है। पता नहीं कैसा दिमाग पाया। मेरी बहन है, पहले इतनी तस्बीह पढ़ती थी, इतनी आदत होती थी, सिपारे पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, अब इन्होंने भी खत्म कर दिया। बस मोबाइल पे लगी पड़ी है, मोबाइल। किस पे लगी पड़ी है बोलो? मोबाइल। अच्छा ये तो नेकियों वाली बात हो गई। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, सुनो एक हदीस ऐसी सुना रहा हूँ आपको बड़ी कठिन लगेगी, लेकिन अमल कर लोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। नबी ने सहाबा के दरमियान कहा था, ऐ लोगों, इस पर तवज्जो रखना, ऐ लोगों, गुनाहगार बहुत तरीके के हैं। कोई शराबी भी है, जुआरी भी है, नशेड़िया भी है, सट्टेबाज भी है, और जने क्या क्या गुनाह सब करते नहीं करते, मगर फरमाया मेरी उम्मत में तीन किस्म के गुनाहगार ऐसे भी हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। अब वो चाहे मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, या आप हो, कोई भी हो। नबी फरमाते हैं तीन किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। अब अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, और अगर रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, जकात दे तो जकात भी कबूल नहीं, हज करे तो हज भी कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात भी, हत्ता के फर्ज से लेकर के नफल तक, मुस्तहब तक, सारी की सारी इबादत कोई भी काबिल कबूल नहीं। अब मैंने बात अगर कह दी है तो दलील भी दे दूं ताकि बात पक्की हो जाए, उलमा के लिए हदीस भी पढ़ दूं। قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم النار ومكذب بقدر। हदीस इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोग ये ना कहें अपनी तरफ से कह के चले गए। पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारी से बोलता हूँ, जो बात कह के जाऊंगा डंके की चोट पे, दावा करूंगा तो दलील भी दे के जाऊंगा। कल को ये कोई ना कह दे कि इधर आदर फेंक पाक के चले गए, और अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। सारी चीजें गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो बोलो नबी की बात गलत। नबी फरमाते सलासा, उसमें मर्द भी औरतें भी, तीन किस्म के लोग गुनाहगार ऐसे हैं, उनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं। यार वो तीन किस्म के हैं कौन कौन, अगर इजाजत हो तो खोलू, कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और वो दीवार बनी पड़ी है, रोजे रख रहे हैं, लोग हमें हाजी साहब समझ रहे हैं, लोग हमें मुफ्ती साहब समझ रहे हैं, लोग हमें बड़ा नेक समझ रहे हैं, और सारा मामला गड़बड़ है, और हम जलसे पे जलसा कराए जा रहे हैं, कुछ भी कबूल नहीं, और नारे पे नारा दे नारा दे नारा लगाया जा रहा है, कुछ भी कबूल है, नात पे नात पढ़ रहे हैं, कुछ भी कबूल नहीं। कौन सा ऐसा गुनाह है? आप सोच रहे होगे यार कहीं ऐसा तो नहीं जो दिनों रात शराब पीता है। तो सुनो उलमा बैठे हैं, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीमा इस्मुन कबीर, मगर वो गुनाह शराब भी नहीं है। अगर कोई शराब पी ले, कपड़े पाक साफ हैं, वो भी पाक है, नशे से बाहर है, वुजू बना के शराइत नमाज पाए जा रहा है, नमाज पढ़े, दुनिया के मुफ्ती साहब से किसी से पूछ लो तो वो यही कहेगा शरान उसकी नमाज हो जाएगी। फिर इससे भी बड़ा गुनाह कौन सा है कि यार किसी को कत्ल करने वाला तो नहीं, नहीं, किसी को कोई चोरी करने वाला तो नहीं, फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है? आज हमारी कौम में 20% लोग ऐसे हैं जो ये गुनाह कर रहे हैं मगर उन्हें पता भी नहीं है कौन सा ऐसा गुनाह। और ये मौलाना की बात नहीं, पीर साहब की बात नहीं,
नहीं। ये तो नबी की बात है, गलत भी नहीं हो सकती। नबी फरमाते सलासा, तीन किस्म के गुनाहगार लोग ऐसे हैं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़ वला अदला, उनकी अल्लाह की बारगाह में कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं। कौन से वो गुनाहगार है जरा सुने, तवज्जो रखना। मुझे पता नहीं आपका क्या हाल है और आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है, मगर आपको अपना पता, मेरा मुझे पता। सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांकना, कौन है वो, कौन है ऐसा। अगर वो गुनाह कर ले तो उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी जकात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं। तो कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं, अब आका से पूछो, किसी मौलाना से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, नबी से पूछो। हदीस के जुमले हैं, नबी फरमाते हैं, अला कुल वालिदई, अरे वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। वो है जो अपनी माँ को और अपने बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज करता है, माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी उससे नाराज, खुदा भी नाराज। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर नबी नाराज खुदा नाराज, तो मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रखे, मस्जिद को छोड़ खाने काबा चला जा, खिलाफ चूम चूम के मर जा। अगर नबी नाराज खुदा नाराज माँ बाप नाराज, तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिले कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे खौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा है सुभानअल्लाह। लोग इसका ख्याल ही नहीं करते यार। मैं अपने इलाके में जाता हूँ या कहीं और भी जाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं ये सैयद साहब हैं, सैयद साहब। इतने लोग हाथ चूमते हैं आपके यहाँ, इतने नारे लगाए, उधर से कोई कपड़े खींचे, कोई हाथ चूमे के हाथ में हाथ टच हो जाए, जैसे नेकियाँ ऐसे लटक रही जैसे फूल लटक रहे हैं, समझे। या कोई पीर साहब आ जाए, मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो जहाँ लाना चाहता हूँ वहाँ समझना। तो कोई पीर साहब आ जाए या कोई भी आ जाए, तो इतने हाथ पांव दबाते हैं, बाज तो दबा दबा करके उसका गोश्त पुलपुला कर देते हैं, समझे। और हाथ चूमेंगे, हमारे इलाके में भी हाथ चूमते चूमते यहाँ नाक लगा देते हैं, सही बता रहे हो। फिर दूसरा साफ भी कर जाता है, आइए हालात हैं। मगर मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो जरा, तवज्जो करना, गौर करना। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे, वरना तस्दीक हो रही है। चूमो, मगर चूमने से पहले एक मर्तबा ईमानदारी से बताओ, तुमने कभी अपनी माँ के हाथ चूमे, कभी अपने बाप के हाथ चूमे, तुमने इतने पीरों के पांव दबाए। दबाओ, अच्छी बात है, बुजुर्गों के खिदमत करो, मगर तुमने कभी अपनी माँ के तलवे दबाए, कभी अपने बाप के तलवे दबाए, नहीं दबाए ना। अब जरा मसला सुनो, अगर 1000 पीर, वो भी अच्छे अच्छे गुंडों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ढचोक बाद इतना बड़ा नालायक है, सबसे ज्यादा इसी पीर को मारा जाएगा, ना नमाज का ना रोजे का। पांव फैला दिए और औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें समझ रही है फैजान मिल गया, समझे। पांव पे पांव दबा रही हैं, पांव पे पांव दबा रही है, पीर पड़ा,
अजान हो रही है, नमाज हो रही है, कोई पता ही नहीं है, कई नमाजों का टाइम निकल गया, इस पीर को पता ही नहीं है, पांव दबाते दबाते गोश्त पुलपुला कर दिया। मेरा मशवरा है ऐसा करें, दो तीन जरा मोटी ताजी औरतें मिलके अगर ऐसा पीर मिल जाए तो पांव ना दबाएं, इस कम वक्त का गला दबा गला, ताकि पारी हो जाए मामला। लेकिन मैं नकली लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असलियों की बात कर रहा हूं। अगर 1000 असली पीर इधर हो, 1000 मौलाना मुफ्ती हो और सबके सब अच्छे हो, और तुम्हारी मार बाप इधर लाइन में खड़े हो, 1000 इधर तुम्हारे माँ बाप इधर कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी मार तुम्हारे बाप तुमसे नाराज है तो इनके हाथ कितने ही चूमो, इनसे कितनी दुआ करा लो, सुबह से लेकर के शाम तक अगर ये सारे पीर उलमा तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, चाहते हो? अरे बोलो ना, हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, ताकि आम के आम और गुठलियों के दाम समझे, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तुम्हें नेकियां भी मिलेंगी। समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह फिर समझ में आ रही बात, माशाल्लाह। सब चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं, मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाएं, इसीलिए तो हम और आप मजार शरीफ पे जाते हैं, बुजुर्गों के मजारात पर जाते हैं, और जाना चाहिए, मजारात पर जाना चाहिए। मगर सुनो, अहनाफ के यहाँ मर्दों का जाना जायज है, औरतों का मजारात पर जाना जायज। बोलो बोलो, औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं है? वो बात अलग है, तुम तो गए धान लगाने और ये मजार पे अगरबत्ती लिए घूम रही है, इसका जादू ही नहीं कट रहा यार, ये चक्कर पे चक्कर लगा रही है। औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं, तुम जाओ मजारात पर, पांवों की तरफ से दाखिल हो, मुवाजा शरीफ में खड़े हो, चार कदम पीछे हट के खड़े हो, तीन मर्तबा आयतल कुर्सी और तीन मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ और अलहमद शरीफ, या जो भी सूरत याद हो, या हदीस में आया है सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयत पढ़ो, या 11 मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो, अगर टाइम हो तो सूरह यासीन सूरह मुल्क भी पढ़ लो, बाकी 11 मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ो और उनकी रूह को ईसा ले सवाब करो, और उनकी रूह का वास्ता दे करके अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तरीका, समझ रहे मेरी बात? और ये औरतें तो मदार पे इतनी पटी पड़ी हैं, इतनी पटी यार, एक बात समझ में नहीं आती, एक बात बताओ, जिस मदार पे देखो तो औरतों पे जिन्नात जिन्नात जिन्नात, भूत 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 जिन्नात, सही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हें इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम वक्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया, मुश्किल से अगर 100 कूद रही हैं तो 5 पे कुछ ना कुछ है, 95 खाली ढचोकला। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, बिगड़ने वाली चीजों से इनको बचाओ, समझ रहे हैं मेरी बात? 95 ढचोकला। जिन्नात कहाँ है पता बताऊं, एड्रेस बताऊं जिन्नात का, सुनना चाह रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة। आगे को पढ़ते चले जाओ, पढ़ इसकी तफसीर उठा के दो,
इंसानों से पहले जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ने एक फौज भेजी, मारो काटो इन्हें भगाओ, भी इंसान बनाऊंगा मैं, इंसानों से दुनिया आबाद करूंगा, आदम को अपना खलीफा बना के भेजूंगा। तो उनको मारा काटा खत्म कर दिया, थोड़े से बचे, वो कहां पहुंचे? जंगलात में, बियाबान में, पहाड़ों में। तो जिन्नात कहां पहुंचे? जंगलात, बियाबान और पहाड़ों में। तो यार तीन रोटी खाते हो, डेढ़ की अकल रखो। जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जीना गया। पोछा मारते मारते हू हू कर रही है। अरे कुछ तो सोचो। हाँ अगर किसी पे जिन है तब भी सुनो, अगर है तो भी उसे मजार पे मत ले जाओ, घर में हाथ पांव बांध के डाल दो ताकि वो कपड़े ना फाड़े, अपना दुपट्टा ना फेंके, और तुम जाओ अल्लाह वाले की चौखट पे और रो रो करके गिड़गिड़ा करके, अल्लाह वाले तुझे अल्लाह ने इतना पावर दिया है, अल्लाह ने इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है, इतना पावर दिया है, तू जानता मेरी बेटी या मेरी बीबी या बहू कोई भी घर में इस हाल में है, उस पर नजरे करम कर दे, नजरे करम कर दे, चिपट जाओ चौखट पे, इंशाल्लाह फैजान तुम्हारे घर में पहुंच जाए। अब बात ये चल रही थी, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। कितने मजार पे जाते हो, सब में जाते हो और कितनी दुआएं मांगते हो, तुम्हारी हाथों हाथ दुआएं कबूल हो गई? बोलो कितने लोगों ने कितना मांगा कबूल हो गई? नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती होती ना तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, इतना हसद, अपनी दुकान कम देखता, पड़ोसी की चल रही है तो उसे देख देख के जल लिया, उसे देख देख के जल रहा, उसे देख देख के। और औरतें तो अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, अच्छा रिश्ता, तो फिर देखो तन बदन में आग लग जाए, खाना नहीं खा रही है, अरे उसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, अच्छा, इसी जलन में हसद में पहुंच जाएगी उसके घर, पूछेगी तुम्हारे कितने बच्चे का? एक बच्चा। रिश्ता हो गया? कहा जी। कहा हुआ? कहा वहां पे हुआ। कौन सा घर है? मस्जिद के। अच्छा वो लड़की जो गोरे रंग की है, हाइट अच्छी है, जो दुपट्टा भी ओढ़ती है, सही से रहती है, वही लड़की? बोले हाँ। बोले अच्छा, उस पे दौरे पड़ते थे, अब ठीक हो गई है क्या? बस एक तो वैसे ही हजरत, लड़के पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी, मुर्गे बिकते थे, अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। चार चार लाख रुपए में मंगनी, खटारा से खटारा बुलेट मांग रहा है, जो खुद चला नहीं जा रहा बुलेट चलाएगा ये? कूला इसका टेढ़ा, कूला कूला उधर है और बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखे गई वो भी बुलेट? एक तो मुश्किल से रिश्ते हो रहे, मगर मेरी बहन सुन ले, जरा तवज्जो करें, आप भी गौर करें, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूँ, इतनी बारगाहों में गए, मगर एक बार गए खानका मैं भी बता दूं, जहां पर तुम्हारी दुआ 100% कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानी क्या हो जाएगी? बोलो, खिल जाएगी। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100% दुआ कबूल? और एक बात और सुनो, मजारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, ये जो मैं बारगाह बताऊंगा यहां औरतों का जाना भी जायज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी बारगाह है वो? आप सोच रहे होगे ये नैनीताल की तरफ से आए, उधर ही बताएंगे, उधर रामपुर से आए उधर ही बताएंगे, बंबई या मद्रास, चेन्नई या गोवा, बेंगलोर, उधर बताएंगे कि यार हम जाएंगे कैसे? सुनना चाह रहे? जाओगे, दुआ मांगोगे वहां पे? कौन सी बारगाह? याद करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो, अब तो मोबाइल का दौर है, सेव कर लो, वो बारगाह कहीं और नहीं, वो बारगाह
बाप तुम्हारे माँ बाप की बारगाह, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप के कदमों पे चले जाओ। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप का दामन पकड़ के उनसे दुआ करा लो, खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, ये वो नबी फरमाते हैं। जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा कदुआइन नबी अन उम्मतिही। आमना के लाल बयान फरमाते हैं, नबियों के सरदार बयान फरमाते हैं, हम और आप मुसलमान है, हमारा आपका अकीदा और ईमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह होती है। और कान खोल के सुनो, सारी दुआएं फेल हो सकती है मगर नबी की दुआ फेल नहीं हो सकती। शख्स सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत अजमते वालिदैन मुफक्करे इस्लाम उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो लोग जहां पर दुआ कबूल होती है वहां जाते नहीं, देखते नहीं कि मेरे अब्बा रात भर पांव पिट पिटा रहे हैं, इनके पांवों में दर्द है कि नहीं, देखते नहीं मेरी माँ किस हाल में है। थोड़ा सा आगे चलो तो पता चलेगा। अल्लाह, एक बात और यहां पे बता दूं, जरा तवज्जो रखना, जितने मर्द हैं ये मर्द और मेरी बहनें भी हैं, इन मर्दों के जिनकी शादी हो गई है उनका बेटा भी बेटी भी सास भी ससुर भी चचा ताऊ मामू खालू सारे रिश्तेदार होते नहीं होते, बोलो। अब पूछो किससे, मुफ्ती साहब से नहीं इस्लाम से पूछो। इस्लाम कौन? इस्लाम तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो कल को उसी के घर जाके मत पूछना। यहां मुराद है मजहब इस्लाम। क्या इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का है, बेटी का, चचा का है, ताऊ का, बीबी का है या बहन का, मामू का है या खालू का है, माँ का है या बाप का, सबसे ज्यादा हक किसका है? ये इस्लाम कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब जरा देखो, जितना बेटी पे खर्च करते हो इतना माँ बाप पे करते हो, जितना बीबी को देखते हो इतना माँ बाप को देखते हो, बीबी के साथ जितना खाना खाते हो कभी माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाते हो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन औरतें सुने, औरतों के भी यही रिश्तेदार होते हैं, बात निकल आई तो सुनो, उनके भी माँ बाप भाई बहन चचा ताऊ खालू मामू बेटा बेटी सास ससुर सब होते हैं। लेकिन औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका, ये भी इस्लाम से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे गांव वाले इस्लाम नहीं मजहब इस्लाम से। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं, माँ का नहीं, बाप का नहीं, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, सबसे ज्यादा औरतों पर उसका हक उसके शौहर का है। किसका है बोलो? औरतों पर सबसे ज्यादा शौहर का। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर मोबाइल पे बातें आज भी पकड़ी जाती हैं, अल्लाह माफ फरमा। और ये भी बात बात इंसान इतना खराब है, ये भी कई कई बच्चों का बाप हो गया मगर आज भी इसकी वीडियो कॉल आज भी चल रही है। अपने आप को संभालो। औरत को मेरी बहन सुन ले, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर
घर से कदम निकालना जायज नहीं, जायज नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि सारी औरतें गलत हैं। अगर बाज बाज लड़की तो ऐसी है ना, उसने यार अपनी तारीख सुनहरे हरफों से लिख दी। अगर इजाजत हो तो रखूं एक वाकया। एक लड़की ऐसी थी जिसने एक की दुनिया पलट दी। बताऊं कैसा, मेरी बहनें सुने। एक गांव था, जैसे ये बस्ती है तुम्हारी ऐसे गांव। उस गांव में एक लड़का इतना शरीफ था, इतना नेक था, पांच वक्त की नमाज पढ़ता था, और उसका ये आलम था लोग उसके हाथ चूमते थे। क्यों? अगर वो हाथ में आग ले ले तो उसके हाथ नहीं जलते थे हजरत, और अगर वो कपड़ों में आग भर ले तो उसके कपड़े नहीं जलते थे, और अगर वो आग पे जब चलता था तो उसके पांव नहीं जलते थे। सारे लोग उससे दुआएं कराते थे और कहते थे आ जाओ हमारे घर यहाँ पे दुआ कर दो। लेकिन सुनो नौजवान, एक दिन उसका एक पुराना दोस्त आ गया और आकर के कहने लगा भाई ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। जब इतना कहा तो वो कहने लगा सुना जरा मेरी कहानी सुन लो, मेरी जिंदगी सुन लो। अब वो लड़का अपनी कहानी बताता है। वो कहता है एक तरफ हाथ पकड़ के ले गया, कहने लगा सुना पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा मालदार मैं था। मैं अपने पास 50-60 गुंडे रखता था, 50-60 लड़के रखता था जिन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, जिन्हें शराबें पिलाता था, जिन पे मैं नोट खर्च करता था, जिन्हें मैं तनख्वाह देता था। वो खाली खाते थे और मस्तियां करते थे। 50-60 लड़के रखता था मैं, जिसको चाहता था घर से उठवा करके उसकी इज्जत लूट लिया करता था, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था, मैं जिसे चाहता था उसकी जमीन छीन लिया करता था, हड़प लिया करता था, मैं जिसे चाहता था चौराहे पर उसे कटवा के रख दिया करता था। सारे लोग मुझसे डरा करते थे क्योंकि मैं अपने पूरे गांव का डॉन था। 50-60 गुंडे मेरे पास रहते थे। गांव की सारी लड़कियां मुझे कांपा करती थी, मुझसे डरा करती थी। ना जाने कितनों के उसने कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनों की उसने इज्जत लूट ली है, ना जाने कितनों की उसने बेइज्जती कर दी है। सारे लोग उससे डरा करते थे। मगर सुनो प्यारे, एक दिन वो लड़का कहता है मैं नहा धो करके जैसे ही सुबह सुबह जब घर से निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की पूरे कपड़े पहने हुए है, यहां से लेकर के यहां तक वो अपनी चादर ओढ़े हुए है। उसकी चादर पे प्रेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। ये लड़का कहने लगा मैंने उस लड़की को आगे से घेर लिया। जब आगे से घेरा तो वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की डर जाती है, वो लड़की थर्रा जाती है। वो लड़की सोचने लगी और दिल ही दिल में कहने लगी ये अल्लाह आज मेरी इज्जत बचा ले, ये वही गुंडा है, ना जाने इसने कितनों की इज्जत लूट ली है। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, मेरे मौला मेरी इज्जत बचा ले, ना जाने इसने कितनों का खून पी लिया है। अब वो लड़की कांप रही है, ये लड़के ने आगे से घेर लिया और कहने लगा ये लड़की बोल तू कहां से आ रही है, बोल कहां जा रही है, बोल कहां रहती है, तेरा घर कहां है, कौन सी बस्ती में रहती है, तेरा नाम क्या है, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी बहन कौन है। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कांप गई और डर के कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे। लड़की ने सोचा आज मेरी इज्जत लुट जाएगी क्योंकि ये तो वो गुंडा है जिसको चाहता चौराहे पे कपड़े उतार देता है, इसके पास 40-50 गुंडे रहते सब लोग डरते हैं इससे। ये हाथ जोड़ के कहने लगी ओ मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर उस जगह पर है, मेरा टूटा फूटा छप्पर है, कोई अच्छा मकान नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरी माँ
है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा चचा ताऊ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर हाँ इतना जरूर है मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं। कहने लगी मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, मगर मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। मैं दूसरी औरतों के यहाँ पर बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके यहाँ पर झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, और मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। अरे ये माँ है माँ, वो लड़की कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मगर इस लड़के की नीयत खराब हो गई, उस लड़की पे नीयत खराब हो गई, इस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला। कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले। अब उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। कहा ओ लड़की मेरा कहना मान ले। अरे मेरा कहना मान ले, जब इतना कहा तो वो इतना उसने बहुत गंदा जुमला बोला था, ये तो मैं समझ रहा था, ये तो मैं आपको कह रहा हूं, मगर उसने इज्जत लूटने वाला जुमला बोला था, उसके साथ गलत हरकत करने वाला जुमला बोला था। लड़की कांप गई और डर गई और कहने लगी तू कैसा मुसलमान, अरे तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसकी इसको फट जाऊं और जिंदा निकल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं और इसे कुचल के रख दूं। ए भाई आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं है, आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, अल्लाह के वास्ते मेरी तरफ से ये नजर हटा ले। वो कहने लगा ओ पागल लड़की, अरे मैं तेरे सामने दौलत के ढेर लगा दूंगा, अंबार के दौलत के अंबार लगा दूंगा, मैं तेरे पास दौलत पेश कर दूंगा, अब बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तू मेरा कहना मान ले, मेरा कहना मान ले। अब आप समझ गए होगे उसने क्या कहा होगा, बहुत गंदा जुमला बोला था, वो मैं नहीं बता सकता ना बोल सकता हूँ। कहने लगा मेरा कहना मान ले, आप इसको आगे तक का जुमला समझ लेना। वो लड़की अब कांप तो रही थी मगर रो करके कहने लगी अरे तू कैसा दरिंदा है, तूने कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली है, हाथ में छुरी ले ले और चाकू ले ले, ले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे नोच नोच के खा जा, अरे मुझे मार दे। तू क्या समझता है मैं अपनी इज्जत पे तुझे हाथ डालने दे दूंगी, अरे तू क्या समझता है मैं अपनी इज्जत तेरे हवाले कर दूंगी, कान खोल के सुन ले, तेरी दौलत पे लाना, तेरे रुपयों पे लाना, तेरे पैसों पे लाना, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ऐसी ऐसी इस्लाम की शहजादियां, ये लड़की चादर ओढ़ के चली गई, ये लड़का खड़ा रह गया, यार मुझे आज इस लड़की ने जवाब दिया है, अरे लड़की ने चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया, छुप के रहती है, आज मेरी बहन सुन ले शादी के मौके पर ये इतने इतने नंगे कपड़े पहनती है, जिनकी आस्तीनें फटी हुई होती है, जिनका गला चिरा हुआ होता है, दुपट्टा इधर पड़ा हुआ होता है, बाल किसी के आगे को किसी के पीछे को, मोबाइल हाथ में ले लिया सेल्फी लेकर के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, अपने जिस्म को दिखा रही है। ओ इस्लाम की शहजादी तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया है। सैयदा फातिमा से पूछा गया औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी होती है, औरत के पास सबसे ज्यादा महंगी चीज कौन सी होती है, सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी होती है। आप समझ रहे होगे उसके पास सोना चांदी, उसके पास रुपये पैसे, लेकिन नहीं नहीं नबी की बेटी क्या कहती है, नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया गैरत होती है, उसका पर्दा होता है, उसका जिस्म होता है, और
औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज शर्म हया गैरत होती है। बेगैरत मत बनो, दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग मत करो। आज देखो कितनी लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग और साइटिंग कर रही है और कितने लड़के ऐसे लफंगे हैं। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? जा, अगर हिम्मत वाला है तो अपनी माँ के कपड़े उतार, अपनी दादी के कपड़े उतार, अपनी नानी के कपड़े उतार, अपनी सगी बहन के कपड़े उतार। नहीं उतार सकता, अरे कान खोल के सुन ले। जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे दूसरे की बहन की इज्जत है, जैसे तेरी माँ की इज्जत है वैसे दूसरी की बेटी की इज्जत है, जैसे तेरी नानी दादी की इज्जत है वैसे दूसरी बहन बेटी की इज्जत है। लेकिन सुनो, ये इस्लाम की शहजादी, इसने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। अब ये लड़की चली जाती है, दिन पे दिन गुजरता है, दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं। अल्लाह ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। उस गांव में सूखा पड़ गया, उस गांव में भुखमरी आ गई, उस गांव में कहत साली आ जाती है। लोगों के लोग खाने से तरस जाते हैं, लोगों का अनाज खत्म हो जाता है, लोग परेशान है, उनके घरों में अनाज नहीं रहा। अरे मालदार या मीडियम लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा तो गरीबों के घर का क्या होगा? उसी बस्ती में ये लड़की भी है। अब ये बिचारी जिसके छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, इसे कोई मजदूरी नहीं देता है, मजदूरी पे नहीं रखता है। अब एक दिन हो गया इस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला, एक दिन हो गया इस गरीब लड़की के बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तीनों छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, माँ माँ क्या हमें कुछ खिलाओगी? नहीं माँ, माँ हमें कोई लुकमा खिला दो माँ। अरे माँ का क्या मकाम होता? नौजवानों सुनो, तुम समझ रहे हो तुम इतने ही बड़े हो गए? इस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, जिसने 2 साल तुम्हारी लैट्रिन और पेशाब धोई है। तुमने पेशाब कर दिया, गलती तुम्हारी थी, मगर खुद गीले में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया। और ये 14 साल की बच्ची, 13-15 साल की बच्ची आज अपनी माँ को आंखें दिखाती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती। मेरी बच्ची, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, हरगिज़ तू अपनी माँ का कहना मत डालना। अरे ये माँ वो है, जब तुझे पैदा किया था तो ये मौत से लड़के आई थी, ये मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ी थी। तुम्हें क्या पता है, जब एक औरत को झटका लगता है तो 9 हज कराने से भी ज्यादा 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 जो पैदल तकलीफ हुई थी उससे ज्यादा इस औरत को तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। अब वो लड़की के तीनों बच्चे कह रहे हैं, माँ 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 हमें भूख लग रही है, कुछ खिला दो माँ। ये माँ अपनी चादर ओढ़ के मोहल्ले में निकल गई, भीख मांग रही है इस औलाद की खातिर। इस बाप से पूछो, इसका लाल खून काला हो गया है, कमाते कमाते तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, आज जब तू ये कहता है अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया, अरे इसका दिल चिरता होगा, इसका दिल फट जाता होगा। आज जब तू ऐसी बातें करता है कि इस टेल्स और पत्थर पे थूकना मत, अरे जरा इस बाप से पूछो, ये एक दिन सच्चा हीरो था हीरो, मगर इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। वो बच्चे कह रहे, माँ हमें कुछ खिला दो। तीनों बच्चे घर में हैं, वो माँ मोहल्ले में निकल गई, दुपट्टा फैला के मांग रही है, ओ बहन मुझे कुछ दे दो, ओ बहन मुझे कुछ दे दो। अरे ये माँ औलाद की खातिर भीख मांग लेती है, भीख कह रही है बहन मुझे दे दो। सारी औरतों ने कहा, बहन हमारे घर भी खत्म होने वाला, हमारे बच्चे भी इसी रास्ते पर आने वाले, बहन हमारे पास नहीं, माफ कर दो, कोई भी भीख नहीं मिल रही है। बच्चे कह रहे थे, भाई हमारी माँ लेके आ रही होगी, मगर माँ खाली हाथ आ जाती है, कोने में खड़े होकर रोने लगती है, अल्लाह मेरा न शौहर है न मेरा भाई है, मेरा कोई नहीं है, छोटे छोटे तीन बच्चे आज ये दम तोड़ रहे हैं, अल्लाह कोई मदद फरमा दे मेरी। ये माँ को बच्चे ढूंढ रहे, माँ कोने में से निकल के आओ। माँ ने जल्दी से आंसू पोछे और आंसू पोछने के बाद कहा, बच्चों क्या बात है? कहा, माँ क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा? माँ क्या हम भूखे मर जाएंगे? माँ अब हमारे पास खाना नहीं आएगा?
माँ, अरे इस माँ का दिल फट जाता है। माँ ने अपनी छाती से लगाया, अपने सीने से लगाया, कहा मेरे बच्चों अल्लाह ने पैदा किया है तो वो रिस्क का भी इंतजाम करेगा। अब दूसरा दिन आ जाता है, बच्चे कुमलाने लगे, बच्चे परेशान होके गिरने लगे, बच्चों को चक्कर आने लगा। दो दिन हो गया, इन छोटे छोटे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। ये माँ परेशान हो गई, कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो माँ। मगर दो दिन हो गए, इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रही है और कह रही है अल्लाह अल्लाह, जब तूने मुझे तीन बच्चे दिए हैं अल्लाह, इनकी हिफाजत का इंतजाम कर दे अल्लाह, कुछ ना कुछ मदद कर दे। लेकिन जब तीन दिन हो जाते हैं, अब जब तीसरा दिन आता है तो वो बच्चों की जान लबों पर आ जाती है। जरा बताओ, अगर किसी के बच्चे की तबीयत नासाज हो तो क्या बनता है? अपनी दुकान छोड़ देता है, कारोबार छोड़ देता है, इधर ये जो था उधर ना उसका बाप है ना शौहर, कोई नहीं। लड़की से कहा ओ माँ ऐसा करो, अब तो हमें कुछ खिला दो, सांसें नहीं आ रही है, अटक अटक के सांस आ रही है। तीनों बच्चे आके माँ का दामन पकड़ के माँ की तरफ को चेहरा करके देखने लगे, माँ माँ कुछ तो खिला दो माँ। अरे ये माँ हांडी ली और अंदर जाके छुपा के इसने तीन पत्थर डाल दिए, उस हांडी में तीन पत्थर डाल के और पानी भर के चूल्हे पे रख दिया। कहा बच्चा इस चूल्हे को जलाते रहना, इस खाने को पकाते रहना। तीनों बच्चे लग गए, हमारी माँ ने खाना रखा। अरे ये माँ को देखो, तुम्हें क्या पता इस माँ ने कितनी तकलीफ है, इस बाप ने कितनी तकलीफ उठाई। माँ फिर कोने में जाके रोने लगी, कहने लगी अल्लाह मुझसे बच्चे देखे नहीं जा रहे, या तो हमें चारों को एक साथ मौत दे दे अल्लाह। ये तीनों बच्चे खाने के लालच में देख देख मौला परवरदिगार, देखा नहीं जाता ये चूल्हे में आग जला रहे अल्लाह। इस माँ को झूठा मत बनने देना, इस माँ को झूठा मत बनने देना। अब माँ ने वही चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद बाहर निकल गई। तीनों बच्चे इस चक्कर में थे, हम खाना बना ले, जल्दी जल्दी भाई आग जलाओ। एक दूसरे से कह रहे भैया खाना अब तो पक गया होगा। अरे खाना होता तो पकता, ये तो पत्थर दे पत्थर। उधर वो लड़की जब बाहर निकली, जब लड़की बाहर गई उसने जा करके देखा, अल्लाह जरा सुनो, तो उसी मालदार के दरवाजे पर लाइन लगी पड़ी थी। वो मालदार जो गुंडा था, वो मालदार जिसकी नीयत खराब थी, उसी मालदार के दरवाजे पर लाइन लगी पड़ी थी। और वो लाइन लगी पड़ी थी, इस लड़की ने पूछा ये कैसी लाइन लगी पड़ी है? तो लोगों ने बताया, अगर किसी के पास जमीन हो तो वो जमीन रख के अनाज लेके जा रहे हैं, अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी लेकर के अनाज लेके जा रहे हैं। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने आला हज़रत बैठे हैं, बिल्कुल मोहब्बतों के साथ आवाज़ बैठे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला कौशाम्बी मिंबर दूर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। ख़तीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा गुलाम अहमद रज़ा, माशाल्लाह बहार स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। अल्लाह बरकतें फरमाए, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। लेकिन वहीं पे पहुंचो, मामला निकलना चाहे। अब वो उसने पूछा ये लाइन कैसी लगी पड़ी है? कहा ये लाइन ऐसी लगी पड़ी है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अपना अनाज ले लेते हैं, अगर जमीन है तो जमीन रख के अनाज ले लेते हैं, मगर इस गरीब लड़की के पास सोना तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं है। इस गरीब लड़की के पास जमीन
का एक टुकड़ा भी नहीं है, मगर ये करे तो करे क्या। अब ये लड़की मर्दों की लाइन में खड़ी हो जाती है, मगर खड़े होने का अंदाज जरा देखो। ओ मेरी बहन सुन लो, आज तुम शादियों में उधर को भागती हो जिधर लड़के खड़े होते हैं, ऊंचे पे खड़े होकर के गिजराती हो, ऊंचे पे खड़े होकर के सेल्फी लेती हो। इस लड़की से जरा सबक सीखो, इसने यहाँ से यहाँ तक ऐसे चादर ओढ़ी, अपने जिस्म को जाहिर होने नहीं दिया और मर्दों की लाइन में खड़ी है, मगर खड़े होने का अंदाज देखो। आगे वाले से एक बालिश पीछे खड़ी है, पीछे वाले मर्द से एक बालिश आगे खड़ी है, ताकि आगे वाले से जिस्म ना टकराए, पीछे वाले से जिस्म ना टकराए। ये सारे इस अंदाज में खड़ी है। वो लड़की दिली दिल में कह रही है, मेरे पास जमीन नहीं है मैं क्या रखूंगी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है क्या रखूंगे, मगर कहा चलो नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। जब इतना कहा, इतने में उस मालदार ने निकल के देखा, वो मालदार पहचान गया, अरे यही वो लड़की है जिसके चक्कर में मैं था, यही वो लड़की है जो मुझसे हट के चली गई थी। उसने पहचान लिया, उसने अपने गुंडों को दो आदमियों को बुलाया, बुलाने के बाद का देखो सामने वो जो लड़की खड़ी है, वो लड़का नहीं है, मर्द नहीं है, औरत है। उस लड़की को पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। उधर तीनों बच्चे इंतजार कर रहे थे, हमारी माँ आती होगी, हमें खाना उतार के देगी। अरे चूल्हे पे पत्थर रखे हुए हैं, हमारी माँ हमें खाना निकाल के देगी। उधर माँ को पकड़ा जा रहा है, उन दो गुंडों ने उनकी माँ को पकड़ के उस गुंडे के उस मालदार के कमरे में दाखिल कर दिया और वो दोनों चले आए। जब मालदार के पास लड़की पहुंची, वो लड़का कहने लगा, बोल कैसी आई है बता। तो वो लड़की अपना आंचल फैला के कहती है, भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे रुपया पैसा दिया है, अल्लाह ने तुझे अनाज दिया है, मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, उनकी जान बचा ले। ओ भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, अनाज दे दे। लेकिन फिर भी इस लड़के की नियत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान सवार हो गया। इस लड़के ने फिर वही जुमला बोला जो पहले बोला था, आप समझ गए होगे क्या बोला। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले। लड़की जलाल में आके खड़ी हो जाती है और खड़े होकर के कहती है, अरे मेरे दामन पे आज तक दाग नहीं लगा, तू मेरी इज्जत की बात करता है, कान खोल के सुन ले। अगर मेरे तीन बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 30 देता और वो तीनों मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी मैं शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाती, तब भी मैं शरीयत को पामाल नहीं करती। अरे तेरी दौलत पे लानत है, तेरे रुपये पे लानत है, तेरी जवानी पे लानत है, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना दीन और ईमान चाहिए, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। जब इतना कहा, उस लड़के को जलाल आ गया, लड़का खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उस लड़की को पकड़ के इतनी जोर से खींच के पीछे को धक्का मारा, बिचारी लड़की चौखट में जाके लगती है। उस गरीब लड़की का सर फट जाता है, खून निकल निकल के बैबे के गर्दन में आ जाता है। अब वो लड़की 3 दिन से उसने नहीं खाया था कुछ भी, उधर बच्चों के मारे परेशान थी, पता नहीं जिंदा है या मर गए। तीनों बच्चे चूल्हा जला रहे थे, माँ आ रही होगी और माँ इसका सर फट गया, खून निकलने लगा, इस माँ के आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, चक्कर आया। लड़की बैठ जाती है सरकते सरकते, इस जालिम ने इतनी लाते मारी लड़की के सीने पे, लाते लाते अपने हाथों से बचाव कर रही है और कह रही है, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मेरी हिफाजत
हिफाजत करना, मेरे दामन की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह इज्जत लुटने से पहले मुझे मौत दे देना। उधर तीनों बच्चे इंतजार कर रहे, इस जालिम ने खूब मारने के बाद इस लड़की को चार गुंडों के हवाले कर दिया और कहा जाओ इसे मार मार के धक्के दे दे के इसके घर पे फेंक दो। इधर से धक्का मारा उधर जाके गिरी, उधर से धक्का मारा उधर जाकर के गिरी। लड़की लड़की अपने दरवाजे पे जाके जब गिरी तो बेहोश हो गई। कभी उसके सर से आंचल नहीं उतरा, कभी उसके सर से चादर नहीं उतरी, दुपट्टा नहीं उतरा। अब घर के अंदर दरवाजे में पड़ी है, उसके सर की चादर का उसे होश नहीं, उसे अपने कपड़ों का होश नहीं, क्योंकि बेहोश पड़ी है। तीनों बच्चे कह रहे हमारी माँ नहीं आई, हमारी माँ में खाना खिलाएगी। अरे क्या पता था माँ दरवाजे पे पड़ी है। ओ नौजवानों मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अपनी माँ और बाप को कभी तकलीफ मत देना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटे, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छिड़के तो बर्दाश्त कर लेना, कभी गर्दन टेढ़ी मत करना, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। तीनों बच्चे कह रहे हैं भैया माँ नहीं आई, हमसे रुका नहीं जा रहा। तीनों बच्चे उधर पत्थर पका रहे हैं, दरवाजे पे माँ बेहोश पड़ी है। जब बच्चों ने दरवाजे की तरफ को देखा कहा भैया ये कौन पड़ा है, जब जाके देखा ये तो हमारी माँ है, ये तो हमारी माँ है। बच्चे कह रहे माँ माँ जरा उठो, माँ माँ थोड़ा सा उठो, माँ माँ हमसे बात करो। माँ बच्चों का खून में हाथ सना का माँ ये क्या हो गया, माँ तुम्हारा सर कैसे फट गया, माँ हमसे बातें करो माँ, मगर सुबह से दोपहर हो गई, माँ बेहोश पड़ी है। ओ मेरी बहनों आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती। मेरी बच्चियों इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया और आज ये पैगाम तुम्हारे घरों तक पहुंच जाता है। और अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जो टांग खींचा करते हैं तुम अपनी आदत से बाज आ जाना। कभी कोई जुमला ऐसा मत बोलना जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए। अरे ये माँ के पास तीनों बच्चे पड़े कह रहे हैं माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो, माँ को इन्होंने चित कर दिया तीनों बच्चों ने, मगर माँ बेहोश है। माँ के कपड़े छोटा बच्चा संभाला, कह रहे माँ माँ दुपट्टा नहीं उतार दी, माँ आपका दुपट्टा कहाँ है। इस जो बच्चे अपनी माँ का दुपट्टा उड़ा रहे हैं, छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने पे लेट गया जैसे दूध पीता बच्चा लेटता है और कहने लगा माँ माँ आज के बाद हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे, माँ माँ हम पानी नहीं मांगेंगे, माँ माँ हमें माफ कर दो माँ, मगर हमसे बातें कर लो माँ, हमें छोड़ के मत जाओ माँ, माँ माँ हमारा कोई नहीं इस दुनिया में, माँ हमारे बाप भी चले गए, हमारे सारे चले गए, माँ तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए। तीनों बच्चे अपनी माँ के हाथ चूम रहे, कहा माँ तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, मगर माँ बेहोश है। नौजवानों तुम्हें क्या पता इस माँ ने और बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। ये माँ बेहोश पड़ी है बेहोश। अब दोनों बच्चे एक तो माँ के सीने पे लेटा है और वो दोनों बच्चे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कह रहे मौला हमारा कोई नहीं है, अल्लाह हमारी माँ है, माँ ये कमाती है तो हम खाते हैं, अल्लाह हमारी माँ को क्या हो गया, मौला हमारी माँ को जिंदा कर दे। छोटे बच्चों को क्या पता वो कह रहे मौला हमारी माँ को उठा दे, हमसे दो बातें कर ले, बस हम दो बातें करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे,
मौला मौला हमारी माँ को उठा दे। जब इतना कहा इन बच्चों की यतीम बच्चों की दुआ कबूल हो जाती है, ये यतीम बच्चे इनकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने बादल को भेज दिया, बादल बरसने वाला आ गया और आने के बाद उनके घर पे बादल बरस जाता है। जैसे ही बारिश होती है लड़की के चेहरे पे जब पानी लगता है लड़की होश में आ जाती है, वो माँ होश में आ जाती है। और जैसे ही होश में आई कहा मैं कहाँ हूँ, जल्दी से दुपट्टा संभाला कपड़े संभाले तीनों बच्चों को गोद में ले लिया और ले लेके बोला मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों। तीनों कह रहे माँ माँ अब मत सोना माँ, हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे माँ, हमने बहुत परेशान कर दिया है माँ। तीनों बच्चों को लेकर के माँ गई और दीवार से टेक लगा करके बैठी है, कह रही है अल्लाह ये माँ कितनी मजबूर हो गई, ये माँ ओ मेरी बहनों इस्लाम की शहजादियां ऐसा भी ऐसी भी है। अब वो लड़की बैठी है, तीनों बच्चे माँ को प्यार कर रहे हैं, कोई सीने पे है अपनी माँ के गले में हाथ डाले। अरे छोटे छोटे बच्चे जब प्यार करते हैं तो सारी थकावट उतार देते हैं, कोई माँ का मुंह छूरा कोई माँ के बालों से खेलना कोई माँ के ग्रेबान से खेलना, और खेलते खेलते कहने लगा माँ हमसे एक वायदा ले लो माँ हमसे एक वायदा करो माँ। कहा क्या वायदा है? आज के बाद हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे माँ, कुछ नहीं मांगेंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मगर हम एक चीज मांग रहे हैं माँ, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। कहा मेरे लाल क्या मांग रहे हो? मांगो। कहा माँ मना नहीं करना, ना नहीं करना। माँ बोली मना नहीं करूंगी, अगर मेरे खून का कतरा कतरा मांगोगे दे दूंगी। अरे ये औलाद नहीं है, ये माँ है जो अपनी खून का कतरा देने के लिए तैयार है। बोली अगर गर्दन की जरूरत पड़ी दे दूंगी, सांस का एक एक लम्हा तुम्हारे हवाले कर दूंगी, बोलो क्या चाहिए। तीनों बच्चे एक जबान होकर के कहते हैं माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती, माँ हमें बहुत तकलीफ होती है, ऐसा करो माँ अपने हाथों से हमारा गला घोट दो ताकि हमारी सांसें बंद हो जाएं, आपका पीछा छूट जाए, हमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती माँ, मना मत करना माँ हमारा गला घोट दो। अरे कौन माँ होगी जो अपने बच्चों का गला घोट दे। माँ की चीख निकल गई, दीवार से टेक लगा के बैठ गई। थोड़ी देर में अब उस लड़की ने सोचा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तीनों बच्चों को रखा और रखने के बाद उसने सोचा चलो मालदार के घर को चलाओ, जाकर के अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो, जो माल जो अनाज मिलेगा ले लूंगी, बच्चों की जान बचा लूंगी, बाद में मैं तौबा कर लूंगी, अब कोई और रास्ता नहीं है। अरे ये माँ है माँ, इस औलाद की खातिर जब चली घर से कदम निकाला, तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ तुम मत जाओ, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी नजाफत की कसम खाई जाएगी, माँ ओ माँ तुम्हारे दामन पे दाग नहीं है, माँ माँ घर से कदम मत निकालो। ये कह करके छोटा बच्चा गिर जाता है, लेकिन माँ से नहीं रुका गया, माँ ने कदम आगे बढ़ा दिया। अगर मैंने मैंने कदम रोक दिया तो इन तीनों में से कोई ना कोई मर जाएगा। ये जल्दी से माँ चलती चली जा रही है, मगर जैसे ही जब मालदार के दरवाजे पर पहुंची इसने मालदार की कुंडी पकड़ी, इसके दिल में एक घंटी बज जाती है, इसके दिल में ख्याल आता है अरे तू कैसी खातून है, करबला में सैयदा फातिमा ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी थी, फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां पेश करके दीन और इस्लाम को बचाया था, करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब के बच्चों की कुर्बानी हुई है, दीन और इस्लाम को बचाया, नबी के खानदान ने करबला में अपनी गर्दनें दे करके दीन और इस्लाम को सुरखरोई अता फरमाई थी, हरियाली अता फरमाई थी, ताजगी अता फरमाई थी,
इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पा करके गर्दन दे करके करबला में दीन और इस्लाम को जिंदगी बख्शी थी। तभी तो कहा था कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये लड़की अपने दिल में सोच रही है, अरे तू कैसी है, अपने बच्चे बचाने की वजह से दीन को डुबाने जा रही है, शरीयत को पामाल करने जा रही है, दामन पे दाग लगाने जा रही है, अरे बच्चों की वजह से दीन को दाग दाग करने जा रही है। नहीं नहीं, मेरा कदम गलत नहीं उठेगा। लड़की का फिर दिमाग बदल गया, इसे चक्कर आया, कुंडी लेके गिर जाती है। इतने में मालदार का दरवाजा खुल जाता है, मालदार कहने लगा, देख मैंने कहा था आएगी आ गई, बोला था तू आएगी आ गई, बोल तुझे कितना रुपया चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए। जरूरी नहीं है कि तू आज ही आ जा, पहले तू खा ले पका ले, बच्चों को बचा ले, जब तू सही हो जाए 15 दिन के बाद तू मेरे पास आ जाना। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, हर 15 दिन या 10 दिन के बाद आ जाना, क्योंकि वो गुंडा था गुंडा। लड़की कहने लगी, ओ पागल सुन ले, अरे मेरा कदम बहक चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, सैयदा फातिमा ने बचा लिया, सैयदा ज़ैनब ने बचा लिया, नबी के बच्चों ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा, कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो अली की बीवी है, वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न रफ्तार का जवाब, जिसके न चेहरे का जवाब, न सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान अश्शेख इमाम अहमद रज़ा खान यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐले नूर, तेरा सब घर आला नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, अब वो लड़की कहने लगी, सुन अगर तूने तौबा कर ली ना, अल्लाह गफूर रहीम रहमान और रहीम है, जरूर तेरे गुनाह माफ कर देगा। अगर किसी के गुनाह एक समंदर के झागों की बराबर हो और अल्लाह की रहमत का एक कतरा अगर बरस जाए, सारे गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, तौबा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तौबा कर ले। ये लड़की कह करके चली जाती है, अपने तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के के दिल में झटका लगा और कहने लगा, यार कैसी लड़की है जिसके बच्चों की जान जा रही है मगर इसने इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया, कैसी लड़की है जो खुद मर रही है मगर इसने अपने दामन पे दाग लगने नहीं दिया। ओ मेरी बहन सुनो, आज अगर तुम्हारे कोई मोबाइल में रिचार्ज करा देता है तो तुम फिसल जाती हो। अरे तू कैसी बच्ची है जो अपनी माँ को धोखा देकर के किसी से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, तू अपने बाप को धोखा दे रही है, तू अपने भाई को धोखा दे रही है, तू अपने खानदान को धोखा दे रही है। नहीं नहीं, इस्लाम की शहजादी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुनो, ये लड़की कहने लगी, ये लड़की घर आके मौत का इंतजार कर रही है। उधर वो लड़का कहने लगा, कैसी लड़की है यार, इसका ईमान तो देखो कितना मजबूत है, ये ईमान वाली लड़की है। और उसने कहा था, अल्लाह गफूर अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तवाबुन हकीम है, जरूर तौबा को कबूल कर लेगा। उस लड़के ने पक्की सच्ची तौबा कर ली और तौबा करने के बाद अपने आदमियों को बुलाया, कहा चलो जल्दी से अनाज ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, अनाज लेकर के माल लेकर के
चला जाता है। उस लड़की के घर में जब दाखिल हुआ तो वो लड़की कांप गई, डर गई। उसने सोचा ये गलत नियत से आया है, इसका इरादा गलत है। लड़की ने छुरी उठाई, बच्चों के करीब कर ली, कहा बच्चों को भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी और इसका अज़ाब तुम पे पड़ेगा, मगर मैं अपने दामन पे दाग लगने नहीं दूंगी। ये लड़का कहने लगा, ओ मेरी बहन मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। मैं तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह तवाब और हकीम है, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। ले मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, मैंने सच्ची पक्की तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह माफ करेगा। और मैं जो आया हूँ इसलिए आया हूँ, ये अनाज लेकर के आया हूँ, तू मेरी बहन है, अकेली नहीं है, जल्दी से पका ले, बना ले, खा ले, जितना पका बना खा। उसने जल्दी जल्दी पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, बच्चों की जान में जान आ जाती है। और ये लड़की रो करके दुआएं करती है, दो रकात नमाज पढ़ती है, दुआ करती है, मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ए अल्लाह ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह कि इसका भरोसा ना उठ जाए, मेरे मौला तू मेरे गुनाहों को ना देख, तुझे तुझे तेरे महबूब का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, करबल में 6-6 महीने के बच्चे शहीद हुए, उनके खून के कतरे का वास्ता, तुझे जो सबसे ज्यादा महबूब पसंद है उसी महबूब का वास्ता, ए अल्लाह, ए अल्लाह इसके रहमत पे भरोसा ना उठे, मेरे मौला तू इसके गुनाह माफ कर दे और इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। और लड़की सजदे में आकर के बोली, मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो ये लड़की, ये लड़का कौन है? ये लड़का वही है जो आग हाथ में ले लेता तो हाथ नहीं जलता, दामन में आग ले लेता है तो दामन नहीं जलता, आग पे चलता है तो पांव नहीं जलता। क्यों? कैसा था कैसा हो गया, क्यों? इसने पक्की सच्ची तौबा कर ली, पक्की सच्ची तौबा। अगर तुम आज मेरे साथ में इन उलमा की मौजूदगी में पक्की सच्ची अगर तौबा करोगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, तवाबुन हकीम है, जरूर तौबा को कबूल करेगा। बोलो तौबा करने के लिए तैयार हो? सारे लोग हाथ उठा करके तौबा करो। उलमा इसलिए हाथ उठा लें ताकि इनके सदक़े में हम सब की तौबा कबूल हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात प्यारो? एक बात और सुनो, हाथ उठाए उठाए अगर कोई रस्मन उठाता हो तो मत उठाना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता। और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा करने की नियत से बहने हाथ नहीं उठाएं, या चलो पर्दे से उठाएं तो कोई बात नहीं है, वरना उन्हें हाथ उठाने का हुक्म नहीं है, लेकिन वो भी सारे लोग पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो। मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मगर इतना है, इतना है कि तुम्हारे नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ है, समझे? आज उसी नबी का वास्ता देकर के तौबा करता हूँ। मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद मौला शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचते रहेंगे, हर गलत काम से मौला तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल व मंजूर फरमा ले। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रख लो। परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह मेरे मौला इन्होंने तौबा की है, ऐ अल्लाह इस तौबा को कबूल व मंजूर फरमा ले, इनके गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह ये तेरे ही बंदे हैं, इन्होंने आज इतने भरे मजमे में किए, जिसका जो भी गुनाह है हम नहीं जानते, तू बखूब जानता, मेरे मौला इन सब के गुनाहों को माफ कर दे। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, बोलो ना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए
खजाना के लुटेरों से बचाए अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गाफिल कल बादा ओढ़े कहिए या रसूल अल्लाह, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। नबी ने फरमाया सला لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاقب ملان ومكذب بقدر। तीन लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, और तीसरा वमुकज्जिबुम बिकद्र तकदीर को झुटलाने वाला। बस एक पैराग्राफ और सुन लो और मेरी गुफ्तगू खत्म। अभी आप थके तो नहीं हो? मेरे बात खतीब हिंदुस्तान और शोरा हजरात यहाँ पर जलवा कर एक मर्तबा नबी ने फरमाया, असल में लड़कियों को ना लोग बोझ समझते थे, बोझ ये समझते थे यार हमारी किस्मत कम है, तकदीर कम है। तो नबी ने फरमाया अगर जिसके पास तीन लड़कियां हों और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए आका का जिसकी दो हो, नबी ने फरमाया उन दोनों की सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। तीसरा एक सहाबी और खड़े हुए का आका अगर जिसके एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया उनकी सही परवरिश कर दे एक बेटी की वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से किसका हकदार हो रहा है बोलो? जन्नत का। बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुल रहा है बोलो? कब? जबके सही परवरिश हो तो। मगर इसके रिजल्ट में इस तरफ को एक हदीस और सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल्जन्ना अलआक लिवालिदैही वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो? जन्नत में। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, कोई आलिम साहब नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे उसके जल से जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं तीन लोग नहीं जाएंगे, एक तो माँ बाप का ना फरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे यही पे लाना था, मुझे सिर्फ यही बताना था कि इसी वजह से मैंने हदीस पढ़ी थी दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये कौन कहता? नबी कहते हैं, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब जिसके पास बेटियां हैं वो सुन ले, जिसकी बेटियां आवारा घूमती हैं वो सुन ले, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं वो सुन ले, जिनकी बेटियां शादियों में करारे शरारे लाजो पलाजो और आगे को चुटिया पीछे को चुटिया बाल दिखाना जिस्म दिखाना ये सारी चीजें करके बेपर्दा घूमती है, और वो बाप देखता है मेरी बेटी किस हाल में है, वो
कान खोल के सुन ले, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वही माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखाती हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करती हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो और वो माँ बाप राजी हो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। फैसला तुम्हें करना है, बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हुआ। मामला ये है, अगर तुमने सही तरबियत की तो तुम्हारे सामने जन्नत है, और अगर तरबियत नहीं की तो तुम्हारे सामने जन्नत का दरवाजा बंद। ये सब सुभान अल्लाह, वाह वाह। फैसला आप पर। कोई मुफ्ती साहब पीर साहब आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, आंचल नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अल्लाह आपसे ही कहता, आप ईमान वालो आपसे कहता है, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या कुरान गलत हो सकता है क्या? बोलो। मगर बाप इतना सीधा है, बताऊं कितना इतना भोला, हजरत इतना भोलो नाजिम साहब, बाप इतना भोला, इतना सीधा। अच्छा वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिए ही नहीं। वैसे सीधा किस बात में बताऊं? कम से कम यहां पर 100 बाप हैं तो 90 बाप ऐसे हैं जिनकी कुआरी जवान गैर शादीशुदा बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल। कम से कम 90 बोलो है कि नहीं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अब्बा से, तीन रोटी खाते हो डेढ़ की अकल रखो, इतना बताओ किसकी तुमने क्यों दिया है बेटी को मोबाइल, किससे बात करने दिया, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? किसी की बेटी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, किसी की बेटी है जिसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज और ट्रेनें फूक जाएंगी, कारखाना डूब जाएगा, पट हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, है किसी की बेटी ऐसी? तो क्यों दिया है, किससे बात करने? इतने सीधे तुम्हें मालूम है व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ, फेसबुक चलाएगी कहाँ, यूट्यूब देखेगी क्या? और ये माएं, इन्हें सब पता है। बाप को अगर एक मरतबा पता नहीं है फिर भी सही है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, किससे बात कर रही है? इस माँ को पता नहीं, ये पागल है क्या? कौन सी माँ है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी कान में एयरफोन लगा करके इठला इठला करके मोबाइल पे हंस हंस के रो रो के किससे बातें कर रही है? कौन ऐसा रिश्तेदार है? इस माँ को पता नहीं है, माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है कि मेरी बेटी SMS देख करके रो रही है, हंस रही है, इतनी डीपली, इतनी अंदर चली गई, इसे पता नहीं, पागलों की तरह कपड़ों से खेल रही है। इस माँ को पता नहीं है कि ये माँ पागल है? और तुम बाप हो, बाप या दुश्मन हो? कल को शादी हो ब्याह हो तो देखना, जवान जवान 18-20 साल की बेटी है, उनका दुपट्टा होगा, यहाँ होगा दुपट्टा। सबसे पहले तो अपनी बेटी का जिस्म इस बाप ने ही देखा। बापों की आंखों पे चर्बी है क्या? पर्दा है क्या? और भाई इस लायक नहीं है कि अपनी बहन को आंचल उड़ा सके?
मगर कौन भाई जो नचकैया हो वो, कौन भाई जो डीजो पे नाचने वाला भाई, घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, बंदरों की तरह कुलाचे मारने वाला भाई, हाथों में चूड़ी कड़े पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, नाक में नथुनिया, कान में कुंडल, बालों में कंघा लगाने वाला भाई, जो भाई खुद दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे चैटिंग करता वो भाई, जिसके बाल ऐसे हो गए जैसे गधे चर गए वो भाई, कौन भाई? बहुत अच्छा। कौन है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रख गए? मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, इस माँ से पूछना चाहता हूँ। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही, सब पता है, सब पता है। जब बात मोहल्ले में उड़ने लगती है, मोहल्लों में उड़ने लगती है, तो आती है बाप के पास, शौहर के पास रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी पे किसने जादू करा दिया कि कोई हवाई असर हो गया, किसी ने दिमाग फिरवा दिया। मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी मगर 15 दिन से बैकी बैकी बातें कर रही है और ये कह रही है मैं तो उसी से निकाह करूंगी, भाग जाऊंगी उसे शादी। मोहल्ले में बातें उड़ रही है इस तरीके की, मेरी बेटी पे किसी ने जादू, कोई जादू वादू नहीं कराया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। तू तो माँ माँ, अभी चक्कर में कोई कोई मियाँ मिल जाए, मियाँ और मियाँ कोई तावीज दे दे, गले में हाथ डाल दे। बाज बाज मियाँ भी इतना बड़ा गुंडा है, तुम उस मियाँ को ही गले में डाल दो तब भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जो है वो है, सबकी बात नहीं है, सारे लोग खराब नहीं होते और सारे लोग अच्छे नहीं होते। मैं खराब की बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो क्यों दिया है मोबाइल, क्यों दिया है? जो लड़की इस गांव से निकल के कभी बाहर नहीं गई, बताओ तुम्हारे पास अगर जवाब हो तो बोलो कौन है वो जो कभी बाहर निकल के नहीं गई? उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? उसकी आस्तीन कैसे कटी? उसका गला कहां तक चिरा? उसके बालों में झटके लटके कहां से आ गए? उसके चलने का ढंग, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा, सारी अदाएं बोलने चालने वाली फिल्मों जैसी, बताओ कहां से आई? यही मोबाइल की देन है, मोबाइल की, ये मोबाइल की देन है। ऐ लोगों सुनो, अगर तुम चाहते हो हमारे घर का माशरा सुधरे तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो कुरान और हदीस पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत फातिमा की, हजरत आयशा की जिंदगी अगर पढ़ेगी हमारी बेटी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी जागेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो औलाद के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये मोहल्ले वालों की जरूरत नहीं है। हर माँ बाप, हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, अपने अपने घर को संभाल ले, आधा माशरा इसलिए सुधरता हुआ नजर आएगा, आधा माशरा, आधा माशरा। मगर वजह क्या है? जब बेटियों पे मोबाइल ही नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा? हजरत माफ करना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है, बस किसी की नात सुनी, किसी का बयान सुना तो शायरों तक पे फोन जाने लगे, और शायर भी कोने में बैठा हुआ घंटों घंटों कुटर 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 कुटर, दो दो घंटे, दो दो घंटे। अल्लाह माफ फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। बेटियों को मोबाइल मत दो, जहर है ये, जहर, जहर है ये, जहर।
एक नजरिया सुनो और मेरी गुफ्तगु खत्म है। नजरिया बताऊं, आप देखियो एक ही सब्जेक्ट में तीन बातें निकलेंगी। शादी होती है, बोलो शादी। चलो अगर कोई चोर ये जग चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे या सजा? सजा। कोई मैक चुरा ले, अल्लाह ना करे किसी की मोटरसाइकिल, तो चोर को इनाम दिया जाता है, फोन करके आ जाओ साहब अपना इनाम ले जाओ, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। बोलो इनाम दिया जाता है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन कम से कम यहां 100 लोग ऐसे जिनकी शादी हो गई हो, तो शादी में तुम्हारी जूती चप्पल नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूते नहीं चुरते क्या? अरे डर क्यों रहा, चुरे के नहीं? अच्छा ये भी पता चोर कौन है, ये भी पता होगा चोरनी कौन है। तुमने थाने को फोन किया कि आ जाओ साहब चोरनी पकड़ी गई, छोटी बच्ची साली जिसको बोलो, छोटी बच्ची थी वो, तुमने फोन किया कि आ जाओ चोरनी पकड़ी गई थाने के हवाले कर दो, किया आज तक? नहीं, बल्कि इस चोर की डिमांड पूछी जा रही है। बोलो चोरनी साहब या चोर साहब क्या चाहिए? अब पैसे दिए जाते कितने? वो चोरनी या चोर मांग रहा 10,000। दूल्हा भाई इधर, बहनोई साहब, जीजा जी, वो कह रहे नहीं 8 ले लो। 8 पे और 10 पे टकराव चल रहा। इतने में एक बुजुर्ग आ गए चचा मियां, वो कहने लगे क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला साहब, बोले ऐसा करो चलो 9 पे निपटाओ, 9 पे निपटाओ। और कह रहे हैं ये तो दूल्हा मियां दो, इनका हक है दो। अच्छा बोले हक है कि नहीं? कह रहे हैं जी, इन चचा मियां से पूछो हक जानते हो चोर और चोरनी का क्या है? अगर इस्लामी हो तो चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएंगे और तुम कह रहे हो कि हक है? इतना ही पता नहीं? इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात? बोले 9 पे फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, आज 1 रुपया कम नहीं, पूरे के पूरे 10,000 ले। अरे ये थोड़ी दे रहे हो मैं तुम्हें, तुम शाहिद भाई उठ के चले आए। अच्छा लग रहा है ये भी फंस गए थे एक मरता। हाँ हो गई नहीं तुम्हारी? अच्छा हो गई। अब सुनो, कहा 10,000, पूरे 10,000 बेटे की खुशी का दे दिए, कोई बात नहीं। दुल्हन को बिठा ला गाड़ी में और बैठे बच्चों ने फिर कार घेर ली, ला हमारा घेरती है ना, ला हमारा। इतने में तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। नहीं किया। यहां भी यही डिमांड, 8-10, फिर चचा मियां 9 पे फैसला। अब्बा बोले नहीं, पूरे 10, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं। ठीक है, अब होता निकाह। क्या होता बोलो? निकाह हो गया। अन निकाह मिन सुन्नति फमन रकिब अन सुन्नति फलैस मिन्ना। निकाह नबी की सुन्नत, असल में निकाह यही है। निकाह अल्लाह। इमाम साहब से पूछा तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10,000। ओ जब इतना कहा तो दूल्हा मियां के अब्बा को भी मौत आ गई। अब तो सारे लोग गुस्से में, बोले इमाम का दिमाग खराब है, निकालो मस्जिद से, हटाओ मस्जिद से, इमाम का दिमाग खराब, 10,000 कहीं चल रहे क्या? तुमने मांग कैसे लिए? बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। सदर सेक्रेटरी साहब, बोले क्या बात? बोले ऐसे बात। बोले इमाम साहब तुम जाओ, हम दूसरा बुला लेंगे, इंतजाम कर लेंगे, तुम जाओ, तुम्हारी सदारत भी ना हश्र के मैदान में इकट्ठी कर दी जाएगी सदर साहब, क्योंकि उनकी सदारत ना छूट जाए, उनकी निजाम अपना छूट जाए। निकाल दिया इमाम को। नजरिया देखो, एक ही शादी में तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, तुमने आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंडबाजों में उड़ा दिए, छक्कों को दे दिए, किन्नर को दे दिए, माली को दे दिए, मांगने वालों को दे दिए। इसी बाप का नजरिया देखो, चोरों को कह रहा 1 रुपया कम नहीं। खुशी का दिन है, जब इमाम का नंबर आया तो कौन मर गया? अब गम का दिन कहां से आ गया? अपना नजरिया बदलो, अपने आप को बदलो। जब तक नजरिया नहीं बदलोगे तुम्हारा दीन आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक इमामों को निकालते रहोगे? अरे कौन
फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। एक एक मजदूर जिसने रुपया नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा, जरा सी बात कोई काम नहीं सीखा। अब मजदूरी करता तो 500 रुपए 15,000 रुपए महीने की। ये इमाम ने हाफिज कुरान होने के बाद इतना बुरा कर लिया, आलिम होकर के मदरसे में पढ़ के इतना बुरा कर लिया, कुर्ता पैजामा दाढ़ी रख के दीन की दीन का काम करने के लिए तैयार हुआ, इतना बुरा कर लिया, नबी के मुसल्ले पर खड़ा हुआ इतना बुरा कर लिया कि तुम इसका गला घोट के मारे डाल लो। अब मस्जिदों की तनख्वाह 8,000, 10,000, 12,000 कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? इतने जितने यहां पर मालदार का एक बच्चा भी मदरसे में नहीं पढ़ता होगा, सबके इंग्लिश मीडियम में होंगे, जहां पे ट्यूशन के भी पैसे जाते हैं, फीस के भी पैसे जाते हैं, ड्रेस भी होता, रिक्शा भी होता, रिक्शा नहीं हो तो खुद पहुंचाओगे। बोलो है कि नहीं? मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं हूं क्योंकि मैं खुद केरला में पढ़ाऊ, समझ में आ रही है? लेकिन पहले तुम्हारे लिए दीन, सिर्फ एक दिखाना चाह रहा हूं, बाप का नजरिया देखो। माँ सुबह ही उठ जाती है, अगर स्कूल में बच्चे पढ़ना होते हैं उन्हें निलाएगी दुलाएगी, उसके ड्रेस पे प्रेस करेगी, टाई लगाएगी, कपड़े बाल सब कुछ। और एक बच्चा जिसकी नाक निकल रही है, रैट निकल रही है, जब परेशान करने लगा आदमी चला गया काम में, उठाई चप्पल मारी, चल मस्जिद में जा इमाम साहब के पास पढ़ने जा, ये रैट आ जाएगा पढ़ने। ये माँ जिसकी वजह से नबी ने फरमाया जिस रास्ते से निकल जाए कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन के लिए मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है, वो ये जिसका देखना इबादत है और जिसको देखना इबादत है वो है। नबी ने फरमाया जिससे मुसाफा किया तो ऐसा जैसे मुझसे मुसाफा किया, उसके लिए इतने नजरिए बदले हुए, सोच बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई, गरीब का बच्चा अगर ना मौलाना हो जाता है, बेचारा आलिम हो गया, अब वो गरीब का वो मसला बिल्कुल सही बता रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, मगर मालदार उसको दबा देते, क्यों? वो गरीब का बेटा करेगा क्या? सच मानो दबा देते, दबा फतवे एक तरफ, मसला ही कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कर। और यहीं पे अगर मालदार का बेटा होता, खानदान बड़ा होता, मिंबर पे खड़े होके कह देता मानोगे तो मस्जिद में कदम रखोगे वरना चप्पल मार के मस्जिद से बाहर, खानदान वाला हो माल, फिर किसी की हिम्मत थी फिर करते, हाँ कुरान हदीस सही है सही, मगर अब गरीब का क्या करेगा? निकाल दो, भगा दो, कहां तक भगाओगे? लोग थूक रहे हैं मुसलमानों पे। अब ये जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए, पहले मस्जिद के सामने नमाज के बाद गैर मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाते थे, जब नमाजी निकलते थे फूंक दियो दम, बोलो होता नहीं होता। हम फ्लाइट में जाते थे तो हमें देखते थे ना ऐसे ही, तो सब ऐसे करके ऐसे करते थे, या कोई लेडीज ऐसे, आज तो सब कपड़े संभाल के ऐसे बैठते हैं जैसे कोरोना हम में लगा हुआ। ये वजह क्या है? तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया, गुंडे हमारे बच्चे, शराबी हमारे बच्चे, जुआरी हमारे बच्चे, थाने कचहरी में अगर फाइलें चेक करोगे सबसे ज्यादा केस मुसलमानों पर, शराब की दुकान पे एक दिन खड़े हो जाओ जाकर के देखो सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे, जेल में जाकर के देखो सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे, मस्जिदें खाली है, मदरसे खाली है। ये तुम्हें नजरिया बदलना पड़ेगा, और जब तक नजरिया नहीं बदलोगे, दीन और इस्लाम को ऊपर नहीं लाओगे, उस वक्त तुम कामयाब नहीं हो। यहां तक कि अब लोग गिर गए हैं, ऐसी बातें जुमले मारते हैं, कोई अगर अपने घर पे रंडी नचाए, अपने घर पे बैंड बाजा बजाए, कोई नहीं कहता कि इसने खाने का जरिया बना लिया, कमाने का कोई जलसा कराने लगे मौलवियों को बना, 10 कहने लगते हैं 10 कहने लगते हैं। अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए, और हिदायत नसीब में ना हो तो गारत कर दे। सैयदों की दुआएं बड़ी भारी पड़ जाती है, याद रखियो। ये एक शख्स था ऐसा हजरत, जो इमाम हुसैन के बारे में बोलता था मुंह से निकल गया, मैंने कहा अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, अगर हिदायत नसीब में नहीं है मौला सजा दे, कैंसर हो गया मुंह में कैंसर, समझ रहे हैं आप बात? नबी के जलसे के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल देते,
उलमा के बारे में, इमामों के बारे में, आलिमों के बारे में, मदरसे के बच्चों के बारे में, ये दीन के सिपाही। एक कुरान एक मीटर कपड़ा लेकर के आधा मीटर किसी का नेकर सिलवा दो और आधा मीटर कुरान शरीफ का जुजदान, एक महीने के बाद मैं कुरान शरीफ का कपड़ा दूं, उसको चूमोगे नहीं चूमोगे? बोलो, चूमोगे, आंखों से लगाओगे, सीने पर रखोगे, सर पर रखोगे, बड़े प्यार से रखोगे, और एक महीने के बाद जो नेकर पहनना है वो नेकर दूं तो तुम चूमोगे? नाक पकड़ के फेंक दो, तू तू करोगे? क्यों क्यों? दोनों कपड़े एक ही थान के थे, एक ही कलर के थे, एक ही कीमत, एक ही क्वालिटी, सारी चीज एक महीने में बदल गए। आप कहोगे मुफ्ती साहब से पूछने जाने का, हजरत इसमें कुरान रखा गया, इसको कुरान से निस्बत हो गई है। सुभान अल्लाह, इल्म वाले बगैर वाले बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून, बराबर नहीं हो सकते। ये मस्जिद का जो इमाम है इसके सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आलिम है, हदीस है, एक कुरान की आयत घर में टांग देते हो, घर में नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है, इनके सीने का जवाब कहां से लाओगे? वो कुरान का कपड़ा तुम चूम रहे हो और इमाम को थूक रहे हो, इमाम की बुराई कर रहे हो। अगर तुम्हें कुरान से मोहब्बत है तो ये नहीं देखो कि गरीब का बेटा, मालदार का बेटा, कौन सी बिरादरी का है, ये देखो कि ये हाफिज़ कुरान है, सुभान अल्लाह, आलिम रब्बानी है, हमारे सर का ताज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा काम समझाना, पानी सब पी रहे हो तुम भी, कुरान की एक आयत पढ़ के फूंक दी जाती है, बुखार वाला पी ले तो ठीक हो जाता है, पेट के दर्द वाला पी ले तो ठीक हो जाता है, जाड़े वाला पी ले तो ठीक, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता वनुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। समझ में आ रही है बात? पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। जब एक मर्तबा इसी जबान से, इसी मुंह से पढ़ के तीन मर्तबा गिलास पे फूंक दिया तो जिसकी जबान पे हजारों मर्तबा कुरान के लफ्ज पढ़े गए, रटे गए, तब हाफिज़ कुरान हुआ, तुम रुलाते हो? अगर इस जबान से इसने बद्दुआ दे दी ना तो नस्लें बर्बाद हो जाए। पांच लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है, उनमें से एक वो है जो इमामत से इमाम से बगावत करते 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 करते, दुश्मनी करते करते, उसकी मुखालिफत करते करते उसी बगावत में मर जाए, चाहे वो हाजी हो नमाजी हो, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरा काम इसलाह करना, किसी को जलील करना नहीं। इन कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मोहब्बतें की, ये उलमा आए, मेरे बाद शोरा हजरात भी हैं, उलमा भी। टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे जाना है इस वजह से, समझ रहे? आप लोग भी दुआ करना मेरे इल्म अमल में अल्लाह ताला बरकतियाँ अता फरमाए। एक बात और सुनो, अगर मैं जाऊँ लोग ऐसा करते हैं कि उसी के पीछे भागते हैं, ये सोचते हैं कपड़े खींचे, हाथ पकड़े, मुसाफा कर ले, नहीं, तुम मेरी मर्जी चाहो ना तो मैं तो ये चाहता हूँ मेरे नाना की महफिल ना ऐसे ही खुशबूदार बनी रहे। बोलो महफिल को सजाए रहोगे? बस एक दो जो कमेटी वाले हैं जो मुझे लेके जाएंगे, बस उनको उनको जाने की इजाज़त है, जो इमाम साहब होंगे उनको जाने की इजाज़त है, बाकी आप लोग ना मुसाफा करने उठियो, ना मेरे हाथ पांव पकड़ियो, ना मेरे पीछे जाइयो, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे आका की महफिल में किसी तरीके की मेरी वजह से बदनज़मी हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी लाज रख लोगे। बोलो इंशाल्लाह, दुनिया हमें हमारे हाथ चूमती है, सलाम करती, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, जवाब दोगे? बोलो बोलो, जवाब दोगे? बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदउना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहउना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इसमें जो गलती हुई हो
सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी बहन या भाई को कुछ बात मैंने ऐसी बोलती है कि आंखों पे चर्बी है ये अंधे, माफ़ करना मैं तुम्हारा भाई हूँ, जलील करना नहीं चाहता हूँ। मैं वो डॉक्टर ना जो चीरा लगाता, मैल पड़ जाता, लगाता तकलीफ होती है ना, तो मुझे वही इस्लामी डॉक्टर समझ लो। मैं चीरा लगा रहा था, समाज का ये गंदा मैल निकल जाए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे लिए दुआएं करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।